यूथ कांग्रेस, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज क्योंकि मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, क्योंकि 20 मिनट का एक टाइम है, आज अगर से बीजेपी की हुकूमत को बर्खास्त करना है तो सिर्फ कांग्रेस ही है। 540 चिल्लर एमपी है और उसका हाफ वे मार्क 270 के ऊपर होना, नरेंद्र मोदी को अगर से बर्खास्त करना है तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं खाली जुमले पे जुमले, हर एक वादे खोखले, नौकरी देता बोले दो करोड़, ब्लैक मनी लाता बोले, 15 लाख रुपए अकाउंट में जाता बोले, जीएसटी, नोटबंदी, ट्रिपल तलाक के मामले में कश्मीर का इश्यू हैंडल नहीं कर सकते, हर एक वादा नरेंद्र मोदी का। यहां तक मैं भी आ रहा था आपके एरिया में, डीआरडीओ देखा मैं परसों, एक शक्ति मिसाइल हमारा सैटेलाइट को उड़ा दिया, उसका भी नरेंद्र मोदी क्रेडिट ले रहे, हमारे वजह से वो सैटेलाइट को हम उड़ा दिए। माई करा वो काम, हमारा जवान कश्मीर में मरता, क्रेडिट नरेंद्र मोदी लेते। तो आप भाइयों को मैं ये समझाना चाह रहा हूं, हर किसी के दिल और दिमाग में है नरेंद्र मोदी को हटाना, तो हटा कौन सकता। रही बात यह आते कि हमारे केसीआर साहब बोल रहे, मेरे को 16 एमपी दियो, मैं सेंटर में हुकूमत कायम करता हूं। केसीआर साहब, हर एक मामले में आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करें। आप रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपका कैंडिडेट केसीआर साहब सपोर्ट करें। वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट, आपका कैंडिडेट आप सपोर्ट करें। जीएसटी, नोटबंदी, पार्लियामेंट में काउंसिल इलेक्शन और ट्रिपल तलाक के बारे में आप बात नहीं करें। हर जगह केसीआर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हुए आए, तो खुले लफ्जों में क्या है, केसीआर और टीआरएस पार्टी बीजेपी की पीटी में। ये आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूं। इलेक्शन होते कि देखिए आप जितने भी एमपी आए और नरेंद्र मोदी को एमपी कम पड़ेंगे, पहला शख्स है जो एमपी अपने देंगे वो है केसीआर और बाजू से आंध्र प्रदेश से जगन। आप देखिए, और केसीआर साहब का शागिर्द नंबर वन कौन है, कौन है, हैदराबाद के हमारे एमपी साहब असदुद्दीन साहब। केसीआर साहब को मैं पूछना चाहता हूं, केसीआर साहब आप एक वादा पूरा करें, आप पहले दलित को सीएम बनाते बोले, मुसलमान को 12% देते बोले, असद साहब क्यों नहीं पूछे आज तक, वक्फ को जुडिशरी देते बोले पावर क्यों नहीं पूछे साहब, हर जगह डबल बेडरूम, झूठ पे झूठ लोरा देते बोले, खवातीन को स्किल डेवलपमेंट करा तो बोले, क्या करें बोलो आप बताइए। और 16 एमपी केसीआर साहब टिकट दिए, एक भी मुसलमान को नहीं दिए। और कोई पूछे गए थे केसीआर साहब को, अरे केसीआर साहब तुम 16 एमपी में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए हो तो, अरे हमारा आशा जाए ना बोलेगा। और सबसे अच्छी बात आपको बताना चाह रहा हूं, हैदराबाद बीजेपी का जो एमपी ठहरा भगवंत राव, डमी कैबिनेट कहीं को ठहरा भाई, जरा सोचो, बीजेपी से एमआईएम का टाइप है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक।